नीट पेपर लीक विवाद, ऊपर से सदन में एनडीए सदस्यों की संख्या कम, मजबूत विपक्ष, कल से चलने वाले सदन को सुचारू रूप से चला पाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। दरअसल मोदी सरकार 3.0 का पहला सदन कल से शुरू होने जा रहा है। इस बार सदन का नजारा कुछ बदला रहेगा, क्योंकि इस बार विपक्ष मजबूत है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस व अन्य पार्टियों के नए सांसद सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। अभी तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर माहौल भी गर्म है। इस मुद्दे को लेकर हंगामा होना निश्चित है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में माहौल गर्म है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। पेपर लीक चुनाव में भी प्रमुख मुद्दा था। विपक्ष मेहताब को अस्थाई अध्यक्ष बनाए जाने को भी कड़ी आलोचना की है। इसको लेकर भी हंगामा होना तय माना जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष किसी पार्टी से नहीं होना चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार विपक्ष उपसभापति का पद मांग रहा है। ऐसा ना होने पर चुनाव होगा। बता दें कि पीएम मोदी की कैबिनेट में शामिल मंत्रियों में 58 लोकसभा सदस्य हैं, जबकि 13 सदस्य राज्यसभा सदस्य हैं। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद पीएम मोदी और उनके कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को शपथ दिलाने के बाद अन्य सांसदों को प्रोटेम स्पीकर मेहताब शपथ दिलाएंगे।